हरदोई शहर के कोतवाली इलाके में एक बंद पड़े राइस मिल में एक किशोरी के साथ दो लोगों ने हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और किशोरी को डॉक्टरी प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया है। घटना के समय किशोरी अपनी मां के साथ खेत में काम कर रही थी और पानी पीने के लिए मिल में गई थी। शहर कोतवाली इलाके के एक गाँव निवासी एक किशोरी अपनी माँ के साथ खेत पर काम के लिए गई थी। बताया जाता है कि किशोरी की उम्र लगभग 12 साल है और वह मंदबुद्धि है। काम करने के दौरान उसे प्यास लगी तो खेत परिसर में ही बंद पड़े राइस मिल में पानी पीने के लिए चली गई। आरोप है कि वहां पर शरीफ और राजेंद्र नाम के दो लोग मौजूद थे। उन्होंने किशोरी को मिल परिसर में ले जाकर उसके साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। इस बीच काफी देर हो गई और किशोरी वापस नहीं पहुंची तो उसकी माँ उसे तलाश करने निकली। मिल परिसर में बने एक कमरे के अंदर किशोरी को देखा और दोनों लोगों ने जब किशोरी की माँ को आते देखा तो भाग निकले। मामले की सूचना उसने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की पड़ताल की। एएसपी ने बताया कि मामले में दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। एसपी ने बताया कि सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विवेचना करके कार्यवाही की जा रही है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। एक 11-12 साल की बच्ची है जो कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ पे आप लोग खड़े हैं यहीं पे उसका आरोप है उनके परिजनों का कि कुछ मंदबुद्धि बालिका है उसके साथ यहाँ के दो युवक क्या वो उम्रदार व्यक्ति हैं करीब 62-65 साल का एक आदमी है और एक 62-62 साल का है। उसके उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया है। इस आशय का उन्होंने तहरीर दी है और पूरे प्रकरण की उसमें FIR दर्ज करके पूरे प्रकरण की गहनता से छानबीन की जाएगी। बच्ची का मेडिकल कराया जाएगा। 164 का बयान कराया जाएगा। जो भी साक्ष्य उपलब्ध होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। माता जी एक बिटिया खेत पे आई थी चारा बीनने के लिए और यहाँ पानी पीने के लिए बिटिया आई तो यहाँ पे शरीफ और राजेंद्र दो लोग पहले से रहते थे तो इन्होंने उसको पकड़ के बलात्कार किया। जब ज़्यादा समय हो गया तो माता जी वहाँ से आए तो वहाँ देखा तो ये नंगी हुई पड़ी मिली। फिर यहाँ पे कोई नहीं था तब हमारे यहाँ वाइफ आई घर से तो वाइफ ने जब उसने हमारे पास फ़ोन किया तब घर में सबको बताया तब सभी लोग आए तब तक हो गया था शाम। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।